खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नगर चांदपुर से है, जहां देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन के चलते चांदपुर की सड़कों पर भी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं आज दिनांक 28 मार्च शनिवार को जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी रमाकांत पांडे व एसपी संजीव त्यागी ने नगर चांदपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि आज लॉकडाउन का चौथा दिन है, हमारी ओर से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निरंतर की जा रही है, दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है। वहीं खाना दाल आटा आदि चीज़ों की भी पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। इस मौके पर उन्होंने नगर की जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता धैर्य बनाए रखे, लॉकडाउन का पालन करे एवं इसी सहयोग की जनता से हम अपेक्षा करते हैं। इस मौके पर उप जिलाधिकारी चांदपुर घनश्याम वर्मा, क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो न्यूज के लिए चांदपुर बिजनौर से तारिक शेख की रिपोर्ट। चौथा दिन है आज लॉकडाउन का, और ये पूरी व्यवस्था की गई है कि आवश्यक वस्तुएं किसी तरीके से कम ना हो और सब जगह डोर स्टेप डिलीवरी यानी सबके घरों तक पहुंच जाए। दवाइयों के बारे में व्यवस्था की गई, खाने के सामान के बारे में व्यवस्था की गई, अनाज आटा दाल चावल चीनी मसाला सारी चीज़ें। अलावा इसके ये भी सुनिश्चित किया गया है कि फल और सब्जियां भी ठेले पर आपने देखा होगा आपके शहर में पहुँचे। बस ये जनता से अनुरोध है कि ये मुश्किल वक्त है तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घरों में रहें, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारे अधिकारी हमारे पुलिस के लोग सारी टीम लगी हुई है और पूरी व्यवस्थाएँ हम लोग कराएंगे। जनता से यही सहयोग की अपेक्षा है कि वो घर में रहें, बाहर रहें।